الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم صلوات بھیجے محمد وآل محمد پروردگار عالم قرآن مجید میں دعا کی صرف سفارش ہی نہیں کر رہا ہے بلکہ دعا کا حکم دے رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو تم مجھ سے طلب کرو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں ہر کمزور اپنے سے زیادہ طاقت والے کے سامنے کسی نہ کسی لحاظ سے اپنے کو کمزور محسوس کرتا ہے وہ بھلے اس کا اظہار نہ کرے بھلے زبان سے نہ کہے لیکن ہر کمزور ہر طاقت والے کے مقابلے میں اپنے کو کسی نہ کسی لحاظ سے کوئی طاقت میں زیادہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کوئی دولت میں زیادہ ہوتا ہے ہمارے پاس اس کے مقابلے میں دولت نہیں ہوتی ہے کوئی عہدے اور منصب کے لحاظ سے آگے ہوتا ہے ہمارے پاس وہ عہدہ اور منصب نہیں ہوتا ہے بہرحال تو دنیا میں دیکھا یہی گیا ہے اور دنیا کا انداز اور دنیا کا یہی طریقہ ہے کہ جو بھی کمزور ہوتا ہے تو وہ طاقت والے کے سامنے اپنی کمزوری کا کسی نہ کسی لحاظ سے اظہار کرتا ہے
तो अजीज़ान मोहतरम, बस यहीं पर हमारे लिए सोचने की जा है, गौर करने का मकाम है और लम्हे फिक्रिया है कि क्या उस खालिक और राज़िक और मालिक से बढ़ के कोई ताकत वाला है, क्या उससे बढ़ के कोई कुव्वत वाला है, क्या उससे बढ़ के कोई कुदरत वाला है, क्या उससे बढ़ के कोई इख्तदार वाला है। तो जब नहीं है तो फिर अब ज़रूरत यह है कि इंसान उसके सामने गिड़गिड़ाए और उसके सामने हाथ फैलाए कि जो सबसे ज़्यादा ताकत वाला है, जो सबसे ज़्यादा इख्तदार वाला है और जो सबसे ज़्यादा इख्तियार रखने वाला है। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इसी वजह से परवरदिगार आलम ने, वरना आम तौर से जो ताकत वाले होते हैं उनके अंदर गुरूर होता है, जो ताकत वाले होते हैं उनके अंदर घमंड होता है, चाहे वो बदन की ताकत हो या दौलत की ताकत हो या इख्तदार और हुकूमत की ताकत हो या कोई और ओहदे और मनसब की ताकत हो, उसके अंदर गुरूर होता है। वो अपने से नीचे वालों को बुलाता नहीं है, अपने से नीचे वालों को वो बुलाता नहीं है। लेकिन क्या कहना उस साहिब कुदरत का, क्या कहना उस साहिब ताकत का, क्या कहना उस साहिब इख्तियार का कि जो सबका खालिक है, सबका राजिक है, सबका रब है और वो परवरदिगार इस कमजोर मखलूक को अपने सामने बुलाता है, आ जाओ मेरी बारगाह में, मुतवज्जे हो जाओ मेरी तरफ, मांग लो मुझसे, कुछ कह दो हमसे। अब जाहिर सी बात है कि ये निहायत ही इंसान की कमजरफी है कि ऐसे बुलंद और बाला रब के बावजूद वो खैर के सामने हाथ फैलाए और खुद अपने रब से मुतालबा न करे। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। उदउनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं कबूल करूंगा। दुनिया वाले अव्वल तो अपनी तरफ मुतवज्जे ही नहीं होते, कमजोरों की तरफ और कमजोरों को बुलाते ही नहीं है। दूसरे ये कि अगर कोई बेचारा कमजोर चला भी जाए तो उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते, छे जाए कि वो खुद कहे कि तुम मुझसे कहो हम तुम्हारी बात कबूल करेंगे। परवरदिगार आलम अपने बंदों को आवाज दे रहा है कि तुम मुझसे मांगो, मुझसे कहो, उदउनी, मेरी बारगाह में दुआ करो, अस्तजीब लकुम, मैं कबूल करूंगा। या इसी तरीके से दूसरे मकामात के ऊपर बाकायदा, वरना दुनिया में अगर किसी की कोई एक मुखालिफत कर देता है तो उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेता है, मुंह फेर लेता है, उसके सलाम का जवाब नहीं देता, उससे कलाम नहीं करता है। अरे साहब ये हमारा मुखालिफ है, ये हमको ये कह रहा था, ये हमको वो कह रहा था और हमारी इसने, हम इससे ये कह रहे थे कि ये करो, इसने किया नहीं, हम बार बार इसको हुक्म दे रहे थे लेकिन माना नहीं। लेकिन इस परवरदिगार आलम इन तमाम मुखालिफतों के बावजूद कि जो बंदा उसके सामने 24 घंटे करता है, इतने गुनाहों और मासियतों के बावजूद वो परवरदिगार अपने बंदों को आवाज देता है, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसहिम, ए मेरे वो बंदों कि जिन्होंने अपने नफ्सों पर ज़ियादती की है। और देखिए अंदाज कितना प्यारा है, अगर तुमने हमारी मुखालिफत की है, तुमने मासियत की है, गुनाह किया है तो तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तुमने अपना नुकसान किया है। या इबादी अल्लज़ीना असरफू, ए मेरे वो बंदों कि जिन्होंने अपने नफ्सों पर ज़ियादती की है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा जमीआ, अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्शने वाला
और माफ करने वाला है। और इसी को अमीरुल मोमिनीन ने दुआए कुमैल में बयान किया है। जो दुआए कुमैल के आखिरी जुमले हैं उनमें आप मुलाहिज़ा फरमा, इस यही आयत वो है कि जिसकी अक्कासी उस दुआ में नजर आती है, जिसकी झलक आपको दुआए कुमैल में नजर आएगी। या सरी अर रज़ा इग़फिर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ, ऐ वो कि जो बहुत जल्द राजी हो, ए बहुत जल्द राजी हो जाने वाले। दुनिया में अगर किसी को कोई मुखालिफत कर भी दे, जल्दी राजी नहीं होता है कोई। बाप बेटे से राजी नहीं होता है, बेटा बाप से राजी नहीं होता है, भाई भाई से राजी नहीं होता है, माँ औलाद से राजी नहीं होती है, अजीज अजीज से राजी नहीं होता है, दोस्त दोस्त से राजी नहीं होता है, एक मोमिन दूसरे मोमिन से राजी नहीं होता है, एक इंसान दूसरे इंसान से राजी नहीं होता है। लेकिन यहां के ऊपर आप अंदाज देखें, या सरी और रेजा, ए बहुत जल्द राजी हो जाने वाले, इग़फिर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ, उसे बख्श दे और उसे माफ कर दे कि जिसके इख्तियार में सिवाय दुआ के कुछ नहीं है। अगर हमारे पास कुछ है तो यही है कि मैं तुझे पुकारूं, अगर हमारे पास कुछ है तो यही कि मैं तुझे आवाज दूं, अगर हमारे पास कुछ है तो यही है कि मैं तुझसे गिड़गिड़ाऊं और तुझसे फरियाद करूं। इग़फिर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ, उसे बख्श दे कि जिसके पास दुआ के अलावा कुछ नहीं है। या मन इस्मुहु दवा, ऐ वो कि जिसका नाम ही दवा है। दवा का काम क्या होता है? इलाज करना। दवा का काम होता है शफा देना, दवा का काम होता है सेहत देना। ऐ वो कि जिसका नाम ही दवा है, एक तरीके से इशारा है, ए बंदो अगर तू अपना इलाज करना चाहते हो, तुम शिफा चाहते हो, तुम सेहत चाहते हो मासियत से, मुखालिफत से, खयानत से, गुनाहों से, नफाक से, बुग्ज से, हसद से, कीने से, अदावत से, तो उसको पुकारो। या मन इस्मुहु दवा, ऐ वो कि जिसका नाम ही दवा है। वज़िक्रहु शिफा, और दवा तो तुमने ले ली। या मन इस्मुहु दवा, उसका नाम लेके अब अगर तुम शिफा चाहते हो कि तुमको शिफा मिल जाए इससे, इस दवा से, तो उसे याद करते रहो, उसे पुकारते रहो। या मन इस्मुहु दवा वज़िक्रहु शिफा, उसे बख्श दे कि जिसके पास दुआ के अलावा कुछ नहीं। इग़फिर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ, जिसका सारा सरमाया सारी पूंजी जो है वो दुआ है। अजीजाने मोहतरम, दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ एक बहुत बड़ा सहारा है मोमिन के लिए। वाकयन इस दुनिया में जो मोमिन के लिए आजमाइशें हैं, मोमिन के लिए इम्तिहानात हैं, मोमिन के लिए सख्तियां हैं, मोमिन के लिए तकलीफें हैं, ये उसका कर्म है कि इन आजमाइशों और इम्तिहानों और सख्तियों और तकलीफों के साथ साथ उसने ये जो जिक्र बताए हैं, जो दुआएं तालीम दी हैं मासूमीन ने, या खुद अल्लाह ने जो दुआ का हुक्म दिया है, ये दुआएं ही वो हैं कि जो इन आजमाइशों में और इन इम्तिहानों में और इन सख्तियों और तकलीफों से निकलने में मोमिन के काम आती है। और कोई भी इंसान तजुर्बा करके भी देख ले, ऐसा नहीं है कि इंसान जो है वो अल्लाह को पुकारे और अल्लाह उसकी आवाज को न सुने। शर्त यह है कि वाकई पुकारे, वाकई पुकारे उसको,
दिल से पुकारे, दिल से आवाज दे तो परवरदिगार आलम सुनता है। हो सकता है कि कोई कहे कि मैंने तो बहुत पुकारा, दिल से क्या, रात को पुकारा, दिन को पुकारा, सुबह को पुकारा, शाम को पुकारा, लेकिन अल्लाह हमारी सुनता ही नहीं है। यह हमारी गलत फहमी है, यह हमारी कशफिक्री है कि हम समझ रहे हैं कि अल्लाह सुनता ही नहीं है। परवरदिगार आलम अपने बंदों के ऊपर मेहरबान है। हम ना समझ हैं, हम बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं और बच्चों के तरीके से उस चीज के लिए जिद कर रहे हैं कि जो चीज शायद हमारे लिए फायदे में ना हो। और परवरदिगार आलम जो कि हमारे हालात से खूब बाखबर है और खूब हमारे माजी और मुस्तकबिल को जानता है, वो जानता है कि अगर इसको ये चीज दे दी तो ये खतरे में पड़ जाएगा, वो जानता है कि अगर ये दौलत आ गई तो ये खतरे में पड़ेगा, ये औलाद आई तो ये खतरे में पड़ेगा, ये इख्तदार आया तो ये खतरे में पड़ेगा, ये माल आया तो ये खतरे में पड़ेगा, ये अगर ये चीज इसको हासिल हो गई तो ये खतरे में पड़ेगा। हम सोचते हैं कि शायद अल्लाह हमारी सुन ही नहीं रहा है। हर तरीके से हमने अपने को पाक कर लिया है, साफ कर लिया है, हराम करते नहीं है, वाजिब छोड़ते नहीं, फिर भी हमारी अल्लाह नहीं सुन रहा है। अजीजा ने मोहतरम, बस यही वो मकाम है कि जो जहां के ऊपर मासूमीन ने और खुद कुरान मजीद ने हमको एक और दर्स दिया है कि तुम अल्लाह के सामने तस्लीम हो जाओ, तुम शिकवा ना करो, शिकायत ना करो, तुम्हारा काम है दुआ करना, उसका काम है कबूल करना। अब अगर वाकई वो तुम्हारे हक में और बेहतर होगी तो अल्लाह कबूल करेगा, वरना इस दुआ का अज्र महफूज है और जब आखिरत में इस दुआ का अज्र बंदे के सामने आएगा तो उसकी आंखें खीरा हो जाएंगी कि ये क्या है माबूद, हमने कोई ऐसा अमल तो किया नहीं था कि जिसका तूने ये इतना अच्छा अज्र दिया है। आवाज अकबरत आएगी ये वो, और तेरी दुआएं हैं कि जिनको दुनिया में तू मांगता था लेकिन तेरे लिए मसलहत नहीं थी और मैंने कबूल नहीं किया था, लेकिन क्योंकि तूने मुझे पुकारा था और मुझसे दुआ की थी लिहाजा ये उसी का अज्र और उसी का बदला है। सलावात भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। और यही वो मकाम है कि जहां पर मासूमीन को देखिए कि जबान के ऊपर ना शिकवा और फरियाद नहीं है, दुआ है। क्या मासूमीन से ज्यादा सख्त जिंदगियां किसी की होंगी और सख्त हालात किसी के सामने होंगे और सख्त आजमाइश और इम्तिहान किसी का होगा, लेकिन इन तमाम आजमाइश और इम्तिहानों में क्या है, तस्लीम। तू जिस हाल में रखे मांगू तेरा शुक्र है, यहां तक के कमाल है वाकियन कि करबला में भूख और प्यास में शुक्र हो रहा है, लाशें उठा रहे हैं और शुक्र हो रहा है, जख्म खा रहे हैं और शुक्र अदा हो रहा है। अजीजाने मोहतरम, जहां एक तरफ तीन दिन की भूख और प्यास और शुहदा के लाशें, वहीं जब सब शहीद हो गए क्या कहना, ऐसा शुक्र। और इस तरीके से उसके सामने तस्लीम होना, ये सिर्फ करबला है और ये करबला वाले हैं। चलिए असर आशूर तक जो शुक्र था कि जहां के ऊपर फिर भी कम से कम खैमे अभी बचे हुए थे, अभी चादरें महफूज थी, अभी मालो असबाब लुटा नहीं था, अभी लाशें पामाल नहीं हुई थी, लेकिन अल्लाह अकबर क्या कहना उस शुक्र का और उस सजदे का कि जो उस आलम में हुआ है कि जहां बाप का पावाल लाशा पड़ा हुआ था, जहां चचा शाने कटाए सो रहा था, जहां भाई सीने के ऊपर बर्ची खाए हुए आराम कर रहा था, जहां अजीज और अकरबा के लाशें पड़े हुए थे, जहां खैमों में आग लगी हुई थी, जहां मां बहनों और पुफियों के सरों से चादरें उतर चुकी थी, वही हमारा चौथा इमाम
सर सजदे खालिक में रखे हुए आवाज दे रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह वक्तल हक्का, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्मन व तस्दीका। अजादारों पूरी रात एक सजदे में गुजर गई। आसान नहीं है इन तीन दिन की भूख और प्यास और जले हुए खैमे और ऐसे अहले हरम के सरों से चादरों का उतरना और इन सब के दरमियान में सर सजदे में रख के उसकी बारगाह में पूरी रात सजदे में पड़े रहना। हक है कि चौथे इमाम को कहा जाए तुम सैयदुल साजदीन हो, तुम ज़ैनुल आबदीन हो। अला लअनतुल्लाह अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, सयअलमुल लदीना ज़लमू अय्यामुन क़लबी यनक़लबून। بحق الزهراء وابيها وبعالها وبنيها بار الها شب جمعہ شب مغفرت شب رحمت شب دعا شب مناجات ہم سب تیرے گنہگار اور خطاکار بندے بار الہا ہم سب کو معاف فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مومنین جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ دشمنان اسلام اور دشمنان تشیع امریکہ اور اسرائیل اور آل سعود اور اس وسیم ملعون کی جس نے آج تمام شیعوں اور تمام مسلمانوں کے دلوں کو دکھایا اور ان کو داغدار کیا ہے، معبود ان سب کو ذلیل خوار اور نیز کو نابود فرما۔ بار الہ ہم سب کی آخرت بخیر فرما، مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں میں اور ان کے خادموں میں شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما۔ وتقبل منا انك انت السميع العليم۔